तो दोस्तों अभी कलश यात्रा शुरू होने वाली है और लोग सब अलग अलग जगह पर इंतज़ार कर रहे हैं कलश यात्रा का। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर लोग इकट्ठा हैं कलश यात्रा के लिए। ये हैं हमारे गांव से, कोटली सिलोर महादेव से, और बाकी अलग अलग गांव के लोग हैं। और ये देखिए, और आमा बैठी हुई है वहाँ पर, ये आमा भी इंतज़ार में है। हाँ, वही तो ये। और हमारे दिनेश चंद तिवाड़ी जी भी पहुंच चुके हैं, हमारे पंडित जी। पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद। और सब ठीक ठाक? सब आनंद हो रहा है, खुश रहो। चलो अच्छी बात है। और आशुतोष कांडपाल भी हैं। हाँ, आशु कांडपाल तैयारियों के लिए खड़े हैं, कुछ ना कुछ तैयारियों में। अभी तैयारी चल ही रही है, अभी थोड़ी देर में होगी कलश यात्रा। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, सब लोग अपने अपनी तैयारियों के साथ में हैं। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ करना होगा बदलाव। हाँ, मैया के वस्त्र वगैरह हैं। तो सब तैयारियाँ हैं, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अभी जब तक का प्रोग्राम शुरू होता है तब तक सब लोग अपने अपनी मीटिंग कर लेते हैं। उनको एक वक्त मिल गया है थोड़ी देर बातचीत करने के लिए। और इधर व्यास जी के लिए अभी मंच तैयार हो रहा है, तो वो प्रोग्राम तो अभी बात न होगा कथा का। फिलहाल तब तक मंच तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई भी यहाँ पर हमारे सिलोर महादेव मंदिर में शुभ काम होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रोग्राम में आता है वो होता है बेताल को खिचड़ी देने का। और जो भी शुभ काम होगा उस सबसे पहले बेताल को खिचड़ी जाएगी। तो आज हमारे नवीन कांडपाल जी बेताल को खिचड़ी देने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद शुरू होगा कलश यात्रा। तो दोस्तों, यहाँ से खिचड़ी के साथ जाएगी बबूती, और वहाँ बबूती वगैरह दे करके खिचड़ी, यहाँ से सारी जो खिचड़ियाँ हैं खिचड़ी है वो इकट्ठी करके बेताल को देने के लिए जाएंगे। लो, ये भी है खिचड़ी। और दोस्तों, अभी भोले शंकर पार्वती को वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और वहाँ से कलश यात्रा शुरू हो रही है, मैं लेकर के जाता हूँ। और दोस्तों, उधर हो गई है कलश यात्रा शुरू। Thank you.
लोगन हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर है वो